नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार अपने इसी YouTube चैनल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में साथियों हम बात करेंगे PTT 2022 की पांचवी लिस्ट को लेकर के कि आपकी पांचवी लिस्ट है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। अगर आएगी तो उसकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है और कितनी सीटें आपकी अभी भी खाली बची हुई है, इसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो साथियों जो भी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में अपलोड करवाई है या जो पीछे की वीडियो में दी है वो सारी की सारी जानकारी आपको PTT की वेबसाइट से उपलब्ध करवाई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जानकारी भी आपको PTT की वेबसाइट से दी जाए। हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो पाँचवीं लिस्ट है साथियों वो आएगी या फिर नहीं आएगी, तो ये मैं आपको 100% बता देता हूँ कि आपकी पांचवी जो लिस्ट है साथी वो आपकी 100% आएगी और किस प्रकार से निकाली जाएगी ये भी आपको बता दूंगा। तो पांचवी लिस्ट जो आएगी साथी वो आएगी आपकी, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, वो आएगी आपकी सेकंड काउंसलिंग के रूप में, यानी एक बार आपको फिर से काउंसलिंग करवाने का मौका दिया जाएगा जिसमें आपकी फीस है वो जमा नहीं होगी दोबारा से, लेकिन आपका क्या होगा उसमें आप कॉलेज है वो दोबारा से फिल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रोसेस आपकी जो PTT 4 ईयर में रही थी वो आपकी रह सकती है। इसके अलावा हम यहाँ पर बातें करेंगे कि आप लोग जो दोबारा से कॉलेज भरते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कॉलेज जरूर भरें। कट ऑफ की हम यहाँ पर बात कर लें तो कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, तो कट ऑफ मैं आपको बता दूँ जो आपकी कट ऑफ यहाँ पर रह चुकी है उससे मात्र एक या दो नंबर है वो आपकी कट ऑफ है वो नीचे आ सकती है। जैसे मैंने OBC का आपको क्लियर बता देता हूँ, OBC नॉन TSP एरिया की 266 नंबर वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिली है, मेरे को कन्फर्म पता है यहाँ। तो इससे नीचे आपकी 265, 264 और 63 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉलेज मिल सकती है। OBC जनरल की आर्ट्स की बात करें तो 270 वाले स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल चुकी है। अब इससे नीचे अगर किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिली है तो वो मेरे को मैसेज करके बता सकता है। हम यहाँ पर बात करें साइंस की, तो साइंस में जो TSP एरिया वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 270 तक साइंस में कॉलेज मिल चुकी है, और आर्ट्स जो आपके नॉन TSP वाले एरिया का है उसको जो स्टूडेंट्स हैं उनको नॉन TSP वाले को वो मिल चुकी है आपकी 380 के लगभग आपको कॉलेज है सभी स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। इससे अगर नीचे किसी स्टूडेंट्स को मिले तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि अब जो आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी वो कितनी सीटों पर निकाली जाएगी, कितनी आपकी सीटें हैं साथ ही वो आपकी खाली है। तो मैं आपको बता दूँ जो आपकी चौथी लिस्ट आई थी साथी वो 2166 सीटों पर निकाली गई थी। अब इस पर जो भी विद्यार्थी है वो समय पर रिपोर्टिंग नहीं करा पाएंगे, कुछ को कॉलेज दूर मिली है तो वो लड़कियां दूर कॉलेज बीएड करने में सक्षम नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, अभी आपकी जो 22,000 रुपये की फीस जमा हो रही है वो 22,000 रुपये वाली फीस जमा नहीं कराएंगे और फिर उनका जो एडमिशन है वो वापस से रद्द हो जाएगा। तो इस हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपकी 400 से लेकर 600 के आसपास सीटें हैं फिर से खाली रह जाएगी और इसमें फिर आपको कॉलेज है साथियों वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, और जैसे ही पांचवी लिस्ट का शेड्यूल है हो सकता है आज शाम को लेट या फिर कल तक है वो जारी कर दिया जाएगा, तो आप लोग है वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही शेड्यूल चेंज किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको समय पर मैं उपलब्ध करवा सकूँ। साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।